Hi guys, Chivangi, welcome or welcome back to my channel. जैसा कि आप लोगों को पता है, right now we are in Thailand and it is our first ever international trip. Of course, we are enjoying it very much and there's so much to explore, there's so much to learn, unlearn. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ experience करने के लिए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने life में पहले कभी ना देखी, सुनी, ना कभी सोची होंगी जो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें experience कर पा रही हूँ या देख पा रही हूँ. It is just so amazing to experience other cultures as well. So yes, I am having having A lot of fun with Ganesh over here. By the way, I was just getting ready for the day, and I thought unpack करते हुए क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपने साथ क्या pack करके लेकर आई हूं इंडिया से, specially related to my skincare.

होता है तो so, उसको कम करने के लिए जो भी एसेंशियल चीजें है एकदम जरूरी चीजें मैं सिर्फ वही लेकर अपने साथ ट्रैवल कर रही हूँ सिलिकॉन जेल एस पी एफ फिफ्टी प्लस ये आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा ऐसे अजूबा सा लग रहा होगा बिकॉज आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली सजेस्ट बाय माई डॉमेटोलॉजिस्ट आई लव दिस दिस हैज रियली हेल्प मी बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज्यादा इस बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा तो मैं इसी सनस्क्रीन को मोस्टली यूज करती हूँ बट इस सनस्क्रीन में एक प्रॉब्लम है इसमें ना वाइट कास्ट है बहुत ज्यादा तो वेन एवर आई अप्लाइड तो थोड़ा वाइट व्हाइट स्किन टोन हो जाती है तो वेन आई डोंट वॉन्ट दैट आई यूज दिस डॉक्टर शेड हल्दी एंड हेलोरॉनिक एसिड सनस्क्रीन

एक्चुअली पी आर था पैकेज था एंड मुझे लगा की मैं आगे किसी को रिगिफ्ट कर दूंगी या किसी को दे दूंगी जिसको होगी बट बिकॉज मैं यूजअली हैंड एंड फूट क्रीम में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करती थी बट मैंने स्टार्टेड यूजिंग इट इट इज जस्ट सो अमेजिंग एंड इसके इंग्रीडियंट्स बताती हूँ मैं आपको इतने ज्यादा है इसमें घी एंड मैंगो बटर यूज हो रखा है रोज एंड लेमन बी है इसमें इसकी स्मेल इतनी प्योर है इसका यूजेज इतना अमेजिंग है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ आई न्यू क्योंकि हमें थाईलैंड में आके बहुत ज्यादा चलना होगा सो आई नीड इट बैडलीफकोर्स मैंने यहाँ पे आके एक बार फुट मसाज करा लिया है एंड दिस इज लाइक अ मस्ट हैव आई फील सो इसको भी मैंने अपने साथ कैरी किया है सो या दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट विच इज लाइक अ मस्ट हैव फॉर मी नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस लिप बाम आई गेस ये प्रोडक्ट आपने मेरी हर मेकअप वीडियो में हर स्किन केयर वीडियो में देखा ही होगा विच इज स्लीपिंग लिप स्लीपिंग मास्क बाई एंड ये बॉटल थोड़ा बड़ा साइज वाला है इसमें दो साइजेस आते हैं एक छोटा होता है एक बड़ा होता है ये ऑलमोस्ट मेरा खत्म होने वाला है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू फिनिश इट ऑफ सो दैट आई कैन बाय अ न्यू वन फॉर माई सेल्फ दिस वन इज रियली 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 अमेजिंग इसकी मैं जितनी तारीफ करूँ इस प्रोडक्ट की वो उतनी कम है एंड आई वुड रिकमेंड एवरी वन इन वर्ल्ड टू यूज दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज रियली रियली गुड एंड ये कोरियन ब्रांड है तो अफकोर्स ट्रस्ट अपने आप ही बन जाते हैं कि यार क्योंकि कोरिया की ब्यूटी रिलेटेड स्किन केयर रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा अमेजिंग होती है क्वालिटी में ऐसा माना जाता है i could not stop myself using it again and again so yes i'm super excited to buy a new debuff for this one and yes the next product which i have with me which is like a very essential one this dilma wave hydra cleanser so isko pehle Kanish was like two your face wash ja rahi hai. har property five star property mein hai. they're going to provide everything to us but i was like my skin is super sensitive so jo use you but i'm going to carry my shampoo and my face wash with me because i cannot take any risk so this is the one this is super hydrating एंड वेरी गुड मैंने रिसेंटली इसको यूज करना स्टार्ट किया है एंड क्या बोलू मैं ये जेंटल सोप फ्री एंड पी एच बैलेंस क्लेंजर है इसको यूज करने के बाद मेरा जो एक्ने वो बहुत ज्यादा कम हुआ है बिकॉज यूजअली जो हमारी स्किन ऑयली होती है उसी में ही बहुत ज्यादा एक्ने होता है एंड आई वु मेरे पहले से ही एक्ने मार्क्स थे वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हुए आफ्टर यूजिंग दिस फेस वॉश इनफैक्ट इससे मेरी रेडनेस भी कम हुई है जो नोज के अराउंड होती थी so yes, fresh, का लोशन, e really, really इसमें जो विटामिन e है वो स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देता है एंड जो हमारे फेस में डैमेज हो रखा होता है जैसे की रिंकल्स एंड ड्राइनेस वो भी बहुत ज्यादा कम होती है ये भी हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है मैं तो इसे यूज करती हूँ Usual, जो मैं यूज करती हूँ वो कनिश तो यूज करता ही है सो दिस वन इज परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड यू आर लुकिंग फॉर सम अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, देन यू कैन बाय दीज टू स्पेशली प्रोडक्ट्स फ्रॉम आइबेरिया स्किन केयर वेबसाइट एमेजोन नाइका एंड न्यूट्रीडोम इसी के साथ साथ आप मैं आपको बाकी के रिमेनिंग प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ विच आर लाइक सुपर सुपरशियल फॉर मी नेक्स्ट वन इज लाइक सुपर इम्पोर्टेंट विच इज माई मेकअप रिमूवल सो दिस इज माई काम आयोवेद मुझे अभी भी याद है आई थिंक मैंने तब वन मिलियन हिट किया था टू मिलियन हिट किया था On and मुझे मेरी मीडिया एजेंसी की तरफ से गिफ्ट आया था आयुर्वेदा जिसमें वॉटर इन ऑयल ऑल इन वन सो आईम श्योर आपने ये प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा देखा होगा एंड किसी ना किसी वीडियो में ये दोनों देखा होगा लिटरली so, इससे जो भी मिसकाना जो भी कुछ होता है न,

पार्ट ऑफ द गिफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा रिफ्रेश है ये इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग है कि मैं कभी भी यूज कर सकती हूँ जस्ट अप्लाइड राइट ना हो

स्टाइलिंग है क्योंकि मैं अपनी कर्लिंग रॉड एंड स्ट्रेटनर साथ में लेकर आई हुई तो मैं course, इसको भी लेकर आई हुई सच में इससे बाई दिस वॉज इट फॉर वीडियो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसी लगी एंड स्पेशली फॉर दीज टू प्रोडक्ट आई एम एडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डू चेक एड एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक बाई